सूरत जिल्लाना पलसाणा तालुकाना जोड़वा जीआईडीसी विस्तार में गत तारीख 4 ऑक्टोबर ना रोज एक कॉम्प्लेक्स में मोबाइल नी दुकान ना मालिक साथे बिल्डिंग ना इंचार्ज अने तेना परिवारजनों मेंटेनेंस बाबते तकरार करी हती। त्यारबाद बिल्डिंग ना इंचार्ज अने तेना पुत्रों द्वारा दुकानदार साथे मारामारी करी चप्पू वड़े हुमलो करता तेने नाक पर चप्पू ना घा कर्या हता, जेथी दुकानदार ने नाक माथी लोही निकळतो होय अने नाक में फ्रेक्चर थई जता तेने सारवार अर्थे हॉस्पिटल खाते लई जवाया हता। आ घटना संदर्भे दुकान मालिक द्वारा पिता पुत्र विरुद्ध पलसाणा पोलीस स्टेशन में फरियाद आपवामां आवी हती। मेरा नाम अनिकेत कुमार है, मैं जुलवा में रहता हूँ। जुलवा में मेरा शुभ लक्ष्मी मोबाइल शॉप है, मैं दुकान में ही रहता हूँ। 4 तारीख को रात में खटखट का आवाज़ आ रहा था, तो मैं पीछे देखने के लिए गया तो देखा कि पप्पू गुप्ता बैजू साहब वो पीछे दवाल तोड़ रहे थे। तो मैं बोला कि क्यों तोड़ रहे हो, तो फिर उसके बाद सेठ से फ़ोन करा के बात करवाया। फ़ोन कराने के बाद भी बात नहीं हुई, बात नहीं किया, मोबाइल छीन के फेंक दिया। उसके बाद फिर फ़ोन उठा के मैं बात करवाया, फिर भी बात नहीं किया। उसके बाद मुझे गाली दिया और मारने लगा। मारने के बाद उन लोगों ने मुझे दुकान में घुस के मुझे मारा, नाक मेरा तोड़ दिया, नाक से पूरी ब्लड आ गई थी। और ये लोग पूरे ग्रुप में थे ये लोग, और सेठ से मैं बात करवाया तो बात तो किए नहीं, और ये लोग माँ बेटा बाप सब मिलके मुझे दुकान में घुस कर मारे हैं। और एक बार पहले भी हो चुका था, तो उसमें भी पुलिस लोग ने 2-3 बार में गंगाधर पुलिस स्टेशन में भी गया, तो वहाँ पे कोई एक्शन। और अभी भी मैं फ़ोन पे फ़ोन किया हूँ और कोई कार्रवाई नहीं है। और हर वक्त आके धमकी दे के जा रहा है कि ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब मेरे जान को खतरा है मुझे। हाँ, प्रिंट तो एप्लीकेशन अर्जी लिख के दिया हूँ, लेकिन अभी तक किसी ने कोई कार्रवाई नहीं। रमेश खंबाती, दिव्यांग न्यूज, कड़ोदरा, सूरत।